अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं शीर खुरमा की रेसिपी। तो इनके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 किलो दूध, जिसको हमने पका लिया है। तो आप चाहें तो कच्चा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा पका हुआ है। उसके लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून काजू, जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून बादाम है, जिसको भिगो कर छील कर और हमने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून चिरौंजी है और 1 टेबल स्पून छुहारा है, इसको भी हमने पानी में भिगो कर चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून किशमिश है, 1 टेबल स्पून पिस्ता है, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। और ये छोटे छोटे पतले पतले स्लाइसेस में हमने गरी, जो खोपरे वाली गरी होती है, इसको हमने ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, आप डालना चाहें तो ना डालें। और ये करीब 50 ग्राम सिवई है, ये बारीक वाली सिवई है, जो सबसे बारीक सिवई होती है, ये वो इसमें ये वाली सिवई जाएगी। और ये 200 ग्राम खोया है, तो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे डालना चाहें तो डालें, लेकिन इसका इससे डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक पैन में ट्रांसफ़र कर लिया दूध को। अब जब तक दूध में एक उबाल आता है, जब तक हम वेट करते हैं, दूध को हम एक तरफ दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र करेंगे, जब तक हम अपने सारी चीज़ों को, अपने ड्राई फ्रूट्स को रोज हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। एक पैन में हम थोड़ा सा घी डालेंगे। इसमें पहले हम अपने काजू, बादाम और चिरौंजी को रोस्ट कर लेते हैं। हमें सारी चीज़ों को एक साथ रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि कुछ जल्दी हो जाती है, कुछ बाद थोड़ा देर लगती है। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसमें थोड़ा सा एक नटी फ्लेवर बस बाहर आ जाए, उतना ही हमें चाहिए, ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो बस इसको चलाते हुए धीरे आँच पर हम थोड़ी देर भून लेंगे। देखिए इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, बस हमको इतना ही फ्रेश को रोस्ट करना है। इसको हम हटा लेते हैं। सेम पैन में हम थोड़ा सा घी और डालते हैं और इसमें ये छुहारे और किशमिश को डाल देते हैं। इसको भी इसी तरह से चलाते हुए हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे धीरी आंच पे। सेम पैन में हमने थोड़ा सा घी और डाल लिया, अब हम इसमें अपने गरी को भी रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो पैन को गैस से ऊपर भी उठा लीजिएगा। बस ये भी हो गया, इसको अब हम निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम अपनी सिवई को डालकर उसको भी थोड़ा सा, बस इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, इसको आप तोड़ दीजिएगा इस तरह से। देखिए हमारा दूध में बॉयल आ गया है, इसको अभी हम 5-7 मिनट इसी तरह से पकने देंगे। देखिए दूध को बॉयल होते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें इसी में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम मीडियम फ्लेम जो है लो मीडियम कर देंगे और इसको मीडियम आंच पर पकने देंगे। देखिए हमारी सिवई को पकते हुए अब करीब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, ये धीरे आंच पर पक रही है और अब ये पूरी तरह से गल चुकी है। तो अब इस स्टेज पे हम यहाँ पर शक्कर डाल देंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। यहाँ पर हम ये 50 ग्राम शक्कर डाल रहे हैं करीब, सॉरी 200 ग्राम। देखिए इसको पकते हुए करीब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अब ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें अपने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। और इसमें अब डाल देते हैं केवड़ा वाटर। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए बन के तैयार है हमारा शीर खुरमा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।